आई एवरीबडी यू कॉन्ट विन यू कॉन्ट विन इफ यू आर टू स्केयर टू लूज टूडे इज टेंथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेट है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेक पीस विद यी विद योर फेलियर सो देट यू कैन डील विद दम फ्रस्ट्रेशन रिग्रेट्स गिल्ट और एंगर ये सब बड़ी कॉमन चीज है मेन्स एग्जामिनेशन अब ओवर हो गया है स्टेइंग स्टक इन दीज इमोशंस वोंट हेल्प इट विल जस्ट कीप यू लॉन्गर इन पॉइंटलेस विशियस साइकिल्स ऑनली एक्सेप्टेंस कमिटमेंट एंड फर्मनेस इन योर डिसीजन्स कैन हील अगर एज है अटेम्प्टै और हिम्मत है तो प्रिपेयर फॉर प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जाम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दिस इज प्रिलिम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कोर्स यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ट्वेंटी एट ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये टेलीग्राम क्विज है एवरीडे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग फाइव सर्च मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्वाइन दिस इज वोकेबुलरी वोकेबुलरी का पहला वर्ड है फोरबोन फॉरबोर्न का मतलब होता है पोलाइटली और पेशेंटली रिस्ट्रेन एन इम्पल्स टू डू समथिंग रिफ्रेन करना रोक के रखना खुद को एब्सटेन करना लिटिगेंट का मतलब होता है लॉ सूट में विवादी कौन है अ पर्सन इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट लिटिगेटर ओपोनेंट इन लॉ डिस्प्यूटेंट अनरूली बिहेवियर है अनियंत्रित है डिसऑर्डरली एंड डिसरपटिव एम्बेलिश का मतलब होता है संवारा मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय द एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स अडॉन पैलेटियल का मतलब होता है आलिशान रिमेंबरिंग रिजेंबलिंग अ पैलेस इन बींग स्पेश आज के लिए पैलेटियल एम्बेलिश अनूली लिटीगेंट फॉर बॉन इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो क्वेज टू नॉट फाइव के आंसर्स हैं गुरु गोबिंद सिंह जी ने कमांड किया था सिख्स को टू वीअर फाइव आइटम सिखिज़म में पाँच आइटम्स होते हैं कड़ा कच्छा कृपान खालसा एंड कंगा खालसा सिख का मिलिट्री सेक्ट है और खालसा को इंट्रोड्यूस किया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब है ये होली बुक होता है सिख रिलिजन का सिख गुरु रोट गुरु नानक बायोग्राफी द आंसर इज गुरु अंगद देव जी गुरुमुखी स्क्रिप्ट है पंजाबी लैंग्वेज में वॉज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी सेकेंड सिख गुरु और आपका नाम है गुरु अंगद जी आज के सवाल है सरदेश मुखी इन द मराठा रिजीम वॉज वॉट ये सरदेश मुखी क्या था द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन होम

ये जो नए फॉर्मेट है नए फॉर्मेट में हमने माइंड मैप के थ्रू डिफरेंट यहाँ पे देखे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी इसको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ इन सबको देखिए जनवरी के मंथ में हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट होगा सो फॉर डाउ यू गेट फैमिलियर विथ ऑल दीज वोकेबुलरी कोर कॉन्सेप्ट जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन क्या है स्पेशिएशन क्या है म्यूटेशन क्या है नेचुरल सेलेक्शन क्या है इवोल्यूशन क्या है वेरिएशन एंड अडेप्टेन तो इन सारे जो माइंड मैप्स है इनको एक एक बार आप गो थ्रू करिए देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ट्वीट किया है सी राजगोपालाचारी जी ऑल्सो नोन एज राजा जी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे इंडियन गवर्नर जनरल थे पॉपुलरली क्रेडिटेड फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस तो सी राजगोपालाचारी जी का काफी बड़ा नाम है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रिमेम्बरिंग वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स सी राजगोपालाचारी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी सिमिलरली आप हैं भारत के महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन आप क्रांतिकारी समूह युगांतर के सदस्य थे उन्हें खुदीराम बोस जी के साथ मिलकर बिहार के मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट की यहाँ पर आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था दैन दिस इज़ ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे तो आज है वर्ल्ड ह्यूम राइट्स डे लेटस्ट प्लेज टू रेज अवेयरनेस टेक एक्शन एक्टिवली पार्टिसिपेट टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट वायोलेशन एंड अब्यूज़ एवरी इंडिविजअल एवरी लाइफ उसको राइट है टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर और इसके लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे देन ये है अम्बुवासी मेला ये मेला असम के कामाख्या मंदिर में लगता है इस मेले का आयोजन हर वर्ष वर्षा ऋतु में होता है इस दौरान तीन दिनों तक मंदिर बंद रहता है और श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होते हैं जो हम प्रिलिम्स में सिलेबस देखते हैं आर्ट एंड कल्चर का उसमें जो मेला मोमेंट्स है इस पर काफ़ी एम्फेसिस हो रहा है आर्ट एंड कल्चर से ये जो मेला है जैसे कल सोनपुर मेला देखा था दिस इज़ अम्बूवासी मेला दीज आर इम्पॉर्टेंट देन क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी ने नारनौल हरियाणा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अब जो हमने स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा है फ्रीडम फाइटर्स के वो कुछ बहुत पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो रिलेटिवली अननोन है रिलेटिवली अननोन है ऑल इंडिया लेवल पे तो गवर्नमेंट उन नामों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है सो दैट इज़ वाई ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू योर कल्चर डू एन आर ऑफ़ योगा इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल यूज डाइज फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज रिवर्टिंग टू हेल्दी डायट्री हैबिट्स रूटेड इन अवर कल्चर लाइक ज्वार बाजरा रागी सो गो ट्रेडिशनल गो ट्रेडिशनल और इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया जा रहा so so है सो वैल्यू योर कल्चर सो ये सोशल मीडिया अपडेट है सोशल मीडिया अपडेट है नाउ लेट लेटेस्ट कम टू द हिंदू न्यूज़ पेपर लेटेस्ट कम टू द हिंदू न्यूज़ पेपर दिस इज सैटरडे दिसंबर टेंथ द हिंदू दिल्ली एडिशन फर्स्ट जो न्यूज़ है कोलेजियम कोलेजियम्स फाइनल डिसीजन अलोन नीड्स टू बी इन पब्लिक डोमेन सी कोलेजियम क्या होता है कोलेजियम नाम रिकमेंड करता है जिनको जुडिशियल जुडिशरी में अपॉइंटमेंट देना है जजेस नियुक्त करना है या फिर उनको ट्रांसफ़र करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जुडिशल अपॉइंटमेंट में जो जजेस है जज है उनसे एक बार कॉन्करेंस उनसे एक बार सलाह मांगी जाती है पर जज मतलब सी जे आई नहीं होता है जज मतलब सी जे आई नहीं होता है इसका मतलब फर्स्ट जज केस सेकेंड जज केस थर्ड जज केस कोलेजियम का नाम आता है सो कोलेजियम इज कंपोज्ड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द नेक्स्ट फोर सीनियर मोस्ट जजेस सो इट इज नॉट अबाउट सीजे आई ओनली इट इज अबाउट सीजे आई प्लस फोर सीनियर मोस्ट जजेस ये पांच मिलकर बनाते हैं कोलेजियम और ये रिकमेंड करते हैं नेम्स फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजशिप्स टू द गवर्नमेंट अब ये नाम जाते हैं सरकार के पास गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री उसको वेटिंग करती है जांच करती है फिर नाम को आगे फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास और प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं तो दिस इज़ हाउ इट वर्कस प्रॉब्लम ये आती है कि कोलेजियम ने जिन नामों को भेजा है मतलब जुडिशरी इज़ अपॉइंटिंग जुडिशरी तो इसमें एट टाइम्स क्वेश्चन उठता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट है ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है नॉन ट्रांसपेरेंट है एंटायर प्रोसेस सो दैट इज वाई कोलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स की भी बात हो रही है यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोलेजियम ने जो फाइनल नाम भेजा है उसी को यहाँ पे उसी को आप यहाँ पे पब्लिक डोमेन पे रख सकते हैं जो इंटरनल डिस्कशन हो रहा है तब तक वो नाम आपको आउट लीक नहीं करना है देन दिस इज रेन लैशेज तमिलनाडु कोस्ट एज मैं एज मैंडस मेक्स रेन लैंडफॉल लैंडफॉल अब देखिए ये है तमिलनाडु की कोस्ट तमिलनाडु की कोस्ट तो पहले हमने देखा था मानसून कैसे आया था दिस इज साउथ दिस इज़ वेस्ट दिस इज ईस्ट और दिस इज़ नॉर्थ सो जब समर मानसून आया था तो वो ऐसा कुछ था बट बिकॉज विंड का डायरेक्शन यूं था तो चेन्नई की जो कोरोमंडल कोस्ट है तो यहाँ समर रेन्स नहीं हुई थी रिलेटिवली समर रेन्स एबसेंट थी अब जब नॉर्थ ईस्ट में जब रिवर्सल ऑफ विंड्स हो जाता है तो विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग लाइक दिस नॉर्थ ईस्ट तो विंटर सीजन में विंड्स ऐसे ब्लो कर रही है अब कोरोमंडल कोस्ट में अगर विंड ऐसे आ रही है तो वो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करेगी रेन वाटर को कैरी करेगी ओशन वाटर को और विंड यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल करेगी सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कोरोमंडल कोस्ट मतलब चेन्नई यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होता है विंटर में रेनफॉल होता है समर में नहीं और जो नॉर्थ का ये हमारा एरिया है यहाँ पर भी विंटर रेनफॉल होता है बट इसका रीज़न कुछ और है कैन यू टेल द रीज़न कि नॉर्दन इंडिया में विंटर रेनफॉल होता है उसका रीज़न क्या है बट अगर कोरोमंडल की बात करें तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट जब मॉनसून वापस रिवर्सल ऑफ विंड्स हो गया है तो इसलिए यहाँ पर रेनफॉल होता है तो सी ये स्टॉम के ट्रेल है ये साइक्लोन है मैंडस का नॉर्थ वेस्टवर्ड पाथ इन द बे ऑफ बंगाल तो ऐसे करके ये मूव हुआ और यहां तमिलनाडु के आसपास यहाँ पे बारिश हो रही है रेन तमिलनाडु कोस्ट एस मैंडस मेक्स लैंडफॉल लैंडफॉल मतलब जब साइक्लोन जमीन को टच करता है तो उसको बोलते हैं लैंडफॉल तो चेन्नई के पास में यहाँ पे ऐसे लैंडफॉल हुआ है और दिस एंटायर दिस कोरोमंडल कोस्ट में यहाँ पे लैंडफॉल हुआ है अब बिकॉज साइक्लॉन है तो इससे डिस्ट्रक्शन होता है दिस इज अ काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर सो एन डी आर एफ एस डी आर एफ ये सब यहाँ एक्टिव हो गए और रिलीफ वर्क कर रहे हैं सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज़ नेक्स्ट पेज थ्री हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर आई सी एन रेड लिस्ट आई सी एन रेड लिस्ट तीन हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स प्लान्ट ये जो हिमालय है हिमालय रिच सोर्स है मेडिसिनल प्लांट्स का तो ये नाम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड ऐसे इनको कैटेगरी में रखा गया है ये आयु सी एन रेड लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर उस स्पीशीज़ के कितने एग्जिस्टिंग है और कितना थ्रेट है जैसे कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो लेस देन 150 ही बचे तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रख दिया था सिमिलरली ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वलनरेबल और फिर एक ऐसा भी है जो डेटा सफिशियंट डेटा इनसफिशेंट है जिसके बारे में हमने ऐसा कुछ डेटा कलेक्ट नहीं किया है तो ये होती है आई यू सी एन रेड लिस्ट तो ये तीन हैं स्पीशीज़ हिमालय की हैं ये और लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ में इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ओके okay, वर्लरेबल और एंडेंजर्ड कैटेगरी भी है अब जो हिमालय है हिमालय एक इम्पॉर्टेंट इको सिस्टम है हिमालय जो रिवर्स हैं ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्लोरा एंड फोना भी अंडर थ्रेट है फ्लोरा एंड फोना भी अंडर थ्रेट है तो दैट इज़ वाई हिमालय कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक दूसरा पहलू ये भी है अगर हम ट्रेडिशन देखें इंडिया का तो जैसे आयुर्वेदा हुआ तो आयुष मिनिस्ट्री भी होती है तो अगेन हिमालय का बहुत यूटिलिटी है फॉर मेडिसिनल मेडिसिनल स्पीशीज़ मेडिसिनल मेडिसिनल फ्लोरा सो दैट इज वाई इन स्पीशीज का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है एक्सटेंसिवली यूज है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी और ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में टू क्योर डिसेंड्री गेस्ट्राइटिस क्रॉनिक फीवर कफ स्टोम स्टमक एक्स एट्सट्रा ओके सो दिस इज हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स नाउ दिस इज विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर गेट्स न्यू ट्राईसोनिक विंड टनल विक्रम सारा भाई जी हैं इनको बोला जाता है इंडिया में स्पेस जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन इसके जनक तो ये ट्रायासोनिक विंड टनल है विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर में इनोग्रेट किया गया इसका फर्स्ट ब्लो डाउन टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया मैसिव स्ट्रक्चर बनाया गया और दीज आर लाइक ट्रायल्स दीज आर लाइक ट्रायल टेस्ट ट्रायल्स आई एक्सपेरिमेंट्स करता है फर्दर स्पेस मिशंस को अलैबोरेट करना है तो दीज़ आर ट्रायल्स तो दिस इज़ अ बिग स्टेप टू सेल्फ रिलायंस इन द एरो स्पेस अब विंड टनल्स क्या होती है विंड टनल्स वो डिवाइसेज होती है जो यूज़ की जाती है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एयर फ्लो ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स अब सी हम एक वर्ड पढ़ते हैं एरो डाइनमिक्स जब हाई स्पीड में हाई स्पीड में जैसे इंजन जा रहा है रॉकेट्स जा रहे हैं तो यह एरो कैसे वर्क करेगी इसको कैलकुलेट फिजिक्स करना बहुत ज़रूरी है तो इस हाई स्पीड में एयर जो है फ्लो कैसे होगा ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इसको यहाँ पे हमने स्केल मॉडल्स के थ्रू देखा इसरो रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट ऐसे आगे यूज किए जाएंगे तो ये एक ट्रायासोनिक विंड टनल बनाया 160 मीटर लॉन्ग है और 5.4 मीटर इसका वाइडेस्ट पार्ट है और यहाँ पे ऐसे डिवाइस को मूव किया ब्लो डाउन टेस्ट किया और देखा गया एरोडाइनमिक्स कैसे यहाँ पे वर्क कर रही है अब ये ट्रायल है इससे हम इससे हम सिमुलेशन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में जब हमने प्लेन दिस रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया तो वो कैसे वर्कआउट करेगा फिजिक्स ओके सिमिलरली दिस इज स्क्रैम जेट इंजन स्क्रैम जेट इंजन इसका भी हॉट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा नेक्स्ट बिग स्टेप है नेक्स्ट जनरेशन है दिस स्क्रैम जेट इंजन आर नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यूचर है हमारा क्रेडिबल नेक्स्ट जनरेशन एयर ब्रीदिंग स्क्रैम जेट इंजन है इंजन्स में क्या होता है जैसे इंजन में ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए तभी तो वो बर्न होगा फ्यूल है आपके पास बट उसका कम्बशन होना चाहिए कम्बर्शन नॉर्मली तो हो जाता है जैसे इंटरनल कम्बर्शन इंजन नॉर्मल व्हीकल्स में हम देखते हैं बट सपोज इट इज़ मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड वेरी फास्ट स्पीड जैसे जैसे स्पेस क्राफ्ट में हो रहा है या रॉकेट्स में हो रहा है तो किस तरीके से एयर अंदर आएगा ऑक्सीजन अंदर आएगा और वो कम्बर्शन कैसे होगा तो ये टेक्नोलॉजी के लिए स्क्रैम जेट इंजन आर इंपॉर्टेंट तो ये इंजन इलेवन सेकेंड्स हॉट टेस्ट हुआ इसका सक्सेसफुली आई एस आर ओ में महेंद्र गिरी में तमिलनाडु में और इसरो के चेयरमैन भी थे यहाँ पे मिस्टर एस सोमनाथ स्क्रैम जेट एक एडवांस्ड वर्जन है राम जेट इंजन का ये एफिशिएंटली ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से कहीं ज़्यादा ये सुपरसोनिक कम्बशन में ब्रीदिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर बिकॉज बर्निंग कम्बशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और ये सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है वेरी वेरी हाई स्पीड मैक्स से भी ज्यादा और वहाँ पर किस तरीके से ऑक्सीजन कम्बशन होगा वो यहाँ पे हमने टेस्ट में देखा तो इट अलाउज द ऑक्सीजन टू मिक्स विद हाइड्रोजन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द व्हीकल टू ट्रिगर कम्बशन आग लगाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है प्रोड्यूस द डिजायर थ्रस्ट टू लिव द सेटेलाइट टू इट्स डेजिग्नेटेड ऑर्बिट तो एक था रैमजेट इंजन अब इसी का एडवांस्ड वर्जन है हाइपरसोनिक एफिशंसी दिस इज क्रैमजेट इंजन स्क्रैमजेट इंजन हाई स्पीड ऑक्सीजन कम्बशन तो ये लॉन्च हुआ व्हीकल कैन ब्रीद ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर और रिड्यूस नियरली सेवेंटी परसेंट ऑफ द प्रोपेलेंट दैट हैज टू बी कैरिड इन द व्हीकल तो दिस इज इस हॉटेस्ट इसका अभी हुआ स्क्रैम जेट इंजिन का ये रेन कवर है फार्मर्स कवरिंग फूड ग्रेन्स बिकॉज अभी जैसे आंध्रा है सीजनल रेनफॉल भी यहाँ पे पॉसिबल है अनसीजनल रेनफॉल तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है जो ऐसे जो फसल आ गई है उसका स्टोरेज है उसको यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है देन दिस इज़ नेक्स्ट वन ये है एंकरिंग प्राइस रेगुलर एडिटोरियल है ये एडिटोरियल में बात किया गया है कि अभी जो मोनिटरी पॉलिसी कमिटी थी इसने रेपो रिवर्स रेपो रेट स्लाइटली बढ़ाया है अगेन क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्लस इकोनॉमिक रिकवरी भी नहीं हुई है तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करें मतलब रेपो रिवर्स रेपो रेट को कम करें बट अगर हमें टारगेटिंग इन्फ्लेशन को करना है तो रेपो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाए बट उससे फिर इकोनॉमिक रिकवरी में चैलेंज हो जाता है तो ये कैच ट्वेंटी टू सिचुएशन बनी हुई है एंकरिंग प्राइसेस सेवर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू रीगेन कॉन्फिडेंस दैट प्राइसेस विल स्टे स्टेबल बिकॉज इन्फ्लेशन एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है आपके पैसे की वैल्यू डिटीरियोरेट हो रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो डिसीज़न है थर्टी फाइव बेसिस पॉइंट से अभी बढ़ाया बिकॉज इन्फ्लेशन टारगेटिंग नहीं हो पा रहा था इन्फ्लेशन को प्राइमरली टारगेट करने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है कोर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था रेगुलर टॉक्स हैं यहाँ पे, फूड फ्यूल कॉस्ट ये सब इनका इन्फ्लेशन बना हुआ है वर्ल्ड में भी अभी इकोनॉमिक अनसर्टैनिटी है सप्लाई साइट बॉटल नैक बना हुआ है चाइना में अभी फिर कोविड नाइन्टीन के केसेस बढ़ने वाले हैं सो so, ये कैलिब्रेट एक्शन यहाँ पर लिया गया है कोर इन्फ्लेशन को भी हमें कंटेन टेम करना जरूरी है सो दैट इज़ वाई यहाँ गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने भी इसको डिफेंड करते हुए कहा इन्फ्लेशन टारगेटिंग इस मोमेंट पे जरूरी है दैट इज़ वाई रेपो रिवर्स रेपो रेट इन्होंने बढ़ा दिया है दैन दिस इज़ पॉलिटिकल ये न्यूज़ है एक्सपैंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले इसका जो पूरा क्रक्स है आर्टिकल का वो ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया दो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आए हम 800 मिलियन लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब उनको एटलीस्ट खाने के लिए अन्न मिलना चाहिए कोविड 19 लॉकडाउन हुआ तो हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल अन्न योजना लेके आए हमने इसके एम्बिट में और इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की बट अब आर्टिकल ये बोल रहा है दिस इज नॉट सफिशियंट दिस इज़ नॉट सफ़िशियंट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन मेड इट एपरेंट दू मैनी व स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीडीएस सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी वेलफेयर स्कीम की होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी एंड डिलीवरिंग दैट बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी वो कैसे करे बहुत सारे लोग अभी भी पी के एम्बिट में नहीं हैं तो गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी लिया एनरोलमेंट कराने की भी कोशिश की बट स्टिल द नंबर इज़ वेरी लेस प्रॉब्लम आती है एक्सक्लूजन की एक्सक्लूजन की इसने बताया पॉपुलेशन कवरेज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस होता है अब देखो हमारा आखिरी सेंसस हुआ था 2011 में हमारे बहुत सारा डेटा एंड पॉलिसी 2011 के अकॉर्डिंग हो रही है 2021 में नेक्स्ट सेंसस होना था बट अभी इनडेफिनेटली काफ़ी डिले चल रही है प्रोसेस सो द पॉइंट इज़ कि अगर हम टू के रेफरेंस से ही देखेंगे तो जैसे ये एट मिलियन पॉपुलेशन है बट 2011 के रेफरेंस से देखेंगे और 2021 में आज की डेट में देखेंगे तो स्टिल जो परसेंटेज है उन लोगों का जो अभी भी कवर नहीं हो पा रहे हैं फूड सिक्योरिटी में वो कम हो जाएगा इंक्रीज पॉपुलेशन कवरेज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन सो एक्सक्लूजन का एक प्रॉब्लम होता है एन का जो कवरेज है वो अभी भी कम है जैसे 800 मिलियन है ये फ्रीज़ हो गया इसको बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज अब 2011 नहीं 2023 लगने वाला है पीडीएस का कवरेज डिटरमाइंड होता है सेक्शन थ्री टू ऑफ एन एफ एस थर्टीन में और इसमें यह बताया कि वो एंटाइटल्ड होंगे फूड सिक्योरिटी में जो तकरीबन सेवेंटी फाइव परसेंट रूरल पॉपुलेशन कवर हो रही है फिफ्टी परसेंट अर्बन पॉपुलेशन कवर हो रही है फिर सेक्शन नाइन बोलता है टोटल नंबर ऑफ जो पर्सनस वो कैलकुलेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एस्टिमेट एज पर द सेंसस ऑफ विच द रेलेवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड अब ये सेंसस 2011 का है सो पूरे आर्टिकल में एक ही चीज़ राउंड एंड राउंड का है कि हमें जो 2023 के अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉपुलेशन जो अभी है वो अभी कवरेज नहीं है पी का वो फूड सेफ्टी नेट में नहीं आ रही है तो हम जब तक सेंसस होगा होगा बट फॉर टाइम हम इन पॉपुलेशन को रोपिन इन पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश करें फूड सेफ्टी नेट में विदाउट एनी डिले बिकॉज फूड इज अ बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड रिक्वायरमेंट फूड फूड प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की अटमोस्ट दिसरेस्पॉन्सिबिलिटी है जी ट्वेंटी कैन बी यू एन सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्टरनेटिव यहां बात है कि यू एन एस सी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पंद्रह मेंबर्स होते हैं दस मेंबर परमानेंट होते हैं पांच में दस मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं पांच होते हैं परमानेंट ये यू बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिसिजम फेस कर रही है कि ये इनएफिशिएंट है ये जो पांच परमानेंट मेंबर हैं ये काइंड ऑफ वीटो यूज़ करते हैं इनके आपस में डिस्फ्रिक्शन होता है तो कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है तो ये एक इन इफ़ेक्टिव हो गई है यू सो व्हाई नॉट यू को हम डिच करें और जी को आगे बढ़ाएं बिकॉज जी इज़ मोर रेलिवेंट यू 1945 का वर्ड है जी ट्वेंटी लेटेस्ट आज का वर्ड है टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज है यहाँ पे सो वाई नॉट पुश जी ट्वेंटी फॉरवर्ड जी ट्वेंटी शुड बी ग्रेटर देन यू एन एस सी ये यहाँ पे आर्गूमेंट है कि ये यू एन एस सी का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है तो जी ट्वेंटी इज अगेन रियली गुड बिकॉज जी ट्वेंटी की अभी हमारी प्रेसिडेंटशिप भी चल रही है तो आज की डेट में हमारी सारी जियो पॉलिटिक फॉरन एक्सपर्ट सब यही बोल रहे हैं जी ट्वेंटी को आगे हमें पुश करना है जी ट्वेंटी का समिट हुआ अभी इंडोनेशिया में अभी अब होगा इंडिया में और फिर नेक्स्ट होगा ब्राज़ील में सो दिस इज़ अगेन जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो नेक्स्ट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं कंट्रीज उनके पास इसकी प्रेसिडेंटशिप आ रही है सो जी ट्वेंटी इज़ मोर रेलिवेंट ये आज के वर्ल्ड को ज़्यादा बताता है यू की बात करें तो यू में वीटो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिजम का पॉइंट होता है वीटो जो परमानेंट मेम्बर हैं वो वीटो यूज़ करते हैं और सारे डिसीजन मेकिंग पैरलाइज हो जाता है सो दैट इज़ वाई चाहे वो यूक्रेन हुआ कोविड नाइन्टीन हुआ या फिर वर्ल्ड में हमने अमेरिका के केसेस देखे के, अफगानिस्तान एट्सट्रा हमने देखा यू एन एस सी एक इनफेक्टिव टूल की तरह नज़र आया और जनरल असेंबली में जनरल असेंबली में मेजोरिटी नहीं आ पाती है डिसीजन मेकिंग अगेन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सो द प्रॉब्लम इज़ कि हम यू में रिफॉर्म्स चाहते हैं बट वो रिफॉर्म्स टेंजिबल होना नियर टू इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है सो वाई नॉट वी स्टार्ट पुशिंग फॉरवर्ड जी जी ट्वेंटी में वर्ल्ड की टॉप ट्वेंटी इकोनॉमीज हैं जी ट्वेंटी में इंडिया भी है और आज की डेट में इकोनॉमी इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो एक ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया है बजाय 1945 का क्राइटेरिया कि वर्ल्ड वॉर टू में कौन विक्टोरियस था जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मॉडर्न डे का है वो ज़्यादा अच्छे से पुष्ट कर सकता है जब गवर्नमेंट वर्ल्ड लेवल के मैटर्स आते हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो वी शुड पुश फॉरवर्ड पुश दिस जी ट्वेंटी इनिशियटिव तो सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ हैं बैलेंस है इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का सारे कॉन्टिनेंट्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं अफ्रीका लेटिन अमेरिका जो यू में नहीं है तो जी ट्वेंटी इज अ बेटर प्लेटफॉर्म बाली डिक्लेरेशन में भी बहुत सारी बातें की गई अभी इंडिया भी अपना दिस पुश करेगा पीस को लॉ एंड ऑर्डर को एनवायरमेंट को किस तरीके से इन सिंक आगे ले जा सकता है रशिया भी ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है दिस जी ट्वेंटी में बिकॉज पॉसिबली रशिया भी अभी पार्टिसिपेशन होगा इंडिया में जब जी ट्वेंटी अभी होगा सो लेट लेटे सी रशिया इज लुकिंग फॉर एन एस्केप रूट एज वेल बिकॉज यू नो यूक्रेन वॉर ऐसा हो गया है कि एवरीबडी इज टायर्ड एवरीबडी इज टायर्ड यूएस रेसेशनरी टेंडेंसी देख रहा है तो यूएस को लग रहा है कि टैक्स पेयर मनी बहुत ज्यादा यूक्रेन में जा रहा है देन जो रशिया है रशिया भी एक एस्केप रूट देख रहा है तो ये जो फाइट हुआ जाइंट्स के बीच में वेस्टर्न नेटो एंड रशिया दे ऑल आर अगेन नाउ ट्राइंग की इस डेडलॉक को कैसे रिजोल्व करें यूक्रेन का बिकॉज ये सबके लिए बड़ा कॉस्टली प्रूव हो रहा है सो जी ट्वेंटी के लिए बड़े अच्छे स्टार्स अलाइन है इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छा है इंडिया को इसको आगे पुश करना चाहिए और इंडिया अगेन लीडरशिप में पहले भी अच्छा काम किया है जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हवाना समिट हुआ था अरब्स टर्न अगेंस्ट इजिप्ट तो इस तरीके से डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है बट अगेन जी ट्वेंटी इज़ अ बेटर जो वर्ल्ड जो आज की डेट में चल रहा है उसमें जी ट्वेंटी इज़ लिटिल बिट बेटर तो इंडिया की गुडविल भी है इंडिया ने जो अर्न किया हुआ है लेजिटिमाइज करें जी ट्वेंटी ग्लोबल आर्बिटर इन द इंटरनेशनल अफेयर मल्टी लेटरल इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल मेंबर्स आर इक्वल सबसे अच्छी बात है यहाँ ऑल मेंबर्स आर इक्वल सो so, ये एक अपॉर्चुनिटी है हिस्ट्री में ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है इंडिया के लिए स्टार्स अलाइंट है हम यू की सीट में भी हैं आज की डेट में सो दैट इज़ वाई इसको हमें अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहिए ये डायरेक्शन है साइक्लोन का एंड रेज एज बार फॉर मैरिज ऑफ मुस्लिम वमेन एन ने कहा इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट इट एट फिफ्टी बिलियन डॉलर दिस इज़ अगेन अ डिफ़िकल्टी हम चाइना से डिकपल नहीं कर पा रहे चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है सो so, ये गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है यू जी सी टू अनाउंस न्यू फ्रेमवर्क फॉर यू जी कोर्सेज एंड आई एल ओ डिकलेशन लेबर अर्जिस कंट्रीज टू एंश्योर लेबर प्रोटेक्शन जब से कैपिटलिज्म आया तब से लेबर एक्सप्लॉटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और दैट इज़ वाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये बात करती है लेबर राइट्स लेबर हेल्थ लेबर राइट्स सैलरी एट्सट्रा जो वर्किंग कंडीशन है इस पर एक लॉज एंड लॉज सिस्टेमेटिक लॉज होना ज़रूरी है तो सेवेंटीन एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का टेन पॉइंट प्रायोरिटीज़ बताया इन्होंने जो वेजेस हैं इन्फ्लेशन है अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज कैपिटलिज्म में क्या कहा जाता है रिच इज़ गेटिंग रिचर पुअर इज़ गेटिंग पुअर सो द पॉइंट इज़ जो पुअर के राइट्स हैं लेबर के राइट्स हैं उसको सेफ करना ज़रूरी है सिंगापुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ सोशल डायलॉग होना ज़रूरी है एड्रेस लेबर मार्केट चैलेंजेस फाइंडिंग सॉल्यूशन इन क्राइसिस सिचुएशन बिकॉज अगेन जैसे क्लाइमेट चेंज है रेसेशन आ रहा है तो जो लेबर मार्केट है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एसोसिएशन बनाने की बात है जैसे एप्पल में भी अभी एसोसिएशन बनने की बात थी और उसको रिकॉग्नाइज हो कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे हो इन सब चीज़ों पर कई बार वर्किंग कंडीशंस बड़ी वलनरेबल हो जाती है उनकी हेल्थ डिटेरेट होती है उनके पास राइट्स नहीं होते हैं तो जेंडर गैप्स है बहुत ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है वमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं है इक्वल पे फॉर वर्क नहीं है बैलेंस नहीं है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है तो दिस इज आई एल ओ आई एल ओ दैन दिस इज चाइना मिस्टर शी कॉल्स फॉर ऑयल ट्रेड इन यू एट गल्फ समिट इन रियाद चाइना एक बहुत बड़ा बैर है ऑयल का ऑयल का और जो सऊदी है जो सऊदी ब्लॉक है बिकॉज सऊदी ब्लॉक पहले अमेरिका के काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंस में था बट फॉर पास्ट सम टाइम ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है जो सऊदी ब्लॉक है और इसको फिल करने के लिए चाइना यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस दिखाने लग गया है चाइना श्री कॉल फॉर ऑयल ट्रेड इन यून एंड गल्फ समिट इन रियाद देन चाइना भी अपनी स्ट्रेटेजी अभी थोड़ा प्रेगमेटिक कर रहा है कोविड नाइन्टीन के केसेस बढ़ेंगे बिकॉज अब पहले जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर रहा है जीरो कोविड पॉलिसी से दूर जा रहा है इंडिया नॉट एज डिकपल्ड स्टिल ऑन अ स्टिकी पाथ इकोनॉमिस्ट ने कहा वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसीज आएंगी इंडिया ऑल दो ज्यादा डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है बट स्टिल वर्ल्ड के साथ हम कपल्ड हैं डिकपल्ड नहीं है स्पेशली दिस चाइना चाइनाज एबसेंस एज अ शॉक एब्जॉर्बर फॉर ग्लोबल इकोनॉमीज़ कॉन्सपीशियस दिस टाइम तो अभी जो 2023 है इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट इजी इकोनॉमिक रेसेशन का अभी बात चल रहा है इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स भी हैं अब इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे हम इंटरकनेक्टेड हैं ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड होती है इकोनॉमीज़ हम ऑल काफ़ी हद तक शील्डेड हैं माइक्रो इकोनॉमी इज गुड बट टेंडेंसीज अगर वर्ल्ड में रेसेशनरी आती है तो इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अनसर्टेनिटी एंड वॉल्टली रहेगी तो हमें बेटर प्लान रहना चाहिए फन रेजिंग एंड दिस इज स्पोर्ट्स दिस इज स्पोर्ट्स लोविना हिट्स द रीबूट बटन एंड इन द स्विंग ऑफ थिंग्स एंड दिस इज स्पोर्ट्स ओके सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़ पेपर नो लेट इज कम एट दिस योर डिस्कश योर सबमिशन तो दिस इज सिक्स सेवन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो लेट अस सी इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं दो सवाल थे प्रिपेयर अ नोट ऑन द पंचायती राज सिस्टम ब्रेन स्टॉमिंग था डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पंचायती राज सिस्टम आपके पास ये रिसोर्स है दिस इज़ लक्ष्मीकांत इस, लक्ष्मी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना था समराइज़ करके उसको यहाँ पे लिख देना था इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज बट अगेन जब हम एक्चुअली में लिखने बैठते हैं तब हमको इस एक्सरसाइज की ब्यूटी समझ में आती है और मैं बार बार बोलता हूँ मेंस एग्जामिनेशन में यही एक्सरसाइज आपका सेवियर रहने वाला है जो चीज़ यहाँ पे आप डेली बेसिस में करोगे सब कॉन्शियसली आप देखना रियल एग्जाम में भी ऐसा ही वहाँ परफॉर्म करोगे तो सी नंदनी पंचायती राज के बारे में लिखा सी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है दिस इज़ गुड प्रजेंटेशन भी बहुत अच्छा है दिस इज रियली गुड सी स्ट्रक्चर दिस दिस वेरी नाइस इवोल्यूशन के बारे में बताया आपने वेरी गुड न्याय पंचायत तुंगोन कमेटी गार्डगिल सारक समराइज कर दिया तो देखो ये चैप्टर याद हो गया दिस वॉज द पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज दैन जब भी हम ऐसे एरो बनाते हैं ना तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है और उसके बाद फिर ऐसे एरो बनाने कि वो कहाँ से जेनेसिस हो रहा है उसका देन चैलेंजेस नंबर्स लिखे हैं अपने पॉइंटर्स गुड वेरी गुड ब्रेन में भी हमें प्रो डेमोक्रेसी रहना है कि डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन भी है ओवरऑल वी आर प्रो डेमोक्रेसी वेरी गुड बाला देखो कितना नीट एंड क्लीन है स्पेसिंग भी कितना अच्छा है सब आसानी से पढ़ने में आ रहा है दिस इज़ वेरी गुड हम एज इट इज़ भी अगर लिखे ना एग्जाम में मेन्स में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे देखो सब आसानी से पढ़ने में आ रहा है वेरी नाइस पंचायती अब देखो ये डायग्राम कितना अच्छा है वेरी नाइस दिस इज़ रियली गुड एग्जाम्पल्स कॉन्टेंट वेरी गुड दिस इज़ नेक्स्ट वन रत्ना प्रिया रत्ना प्रिया आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी हो गई है आप दो चार महीने पहले का और अभी का कॉपी उठा के देखो यू विल सी द डिफरेंस तो दिस इज़ गुड इंडिया में गवर्नमेंट चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड वेरी गुड शागुफ्ता अगेन आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो आप भी अपनी पुरानी कॉपीज और इसको देखना आपको डिफरेंस नज़र आएगा दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सी आपने अभी इसको टैबलेट कर दिया शॉर्ट नोट्स वेरी गुड देन डायग्राम्स पैसा एक्ट वेरी नाइस रीजंस क्या हैं एंड वे फॉरवर्ड गुड देन दिस इज डेमोक्रेसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डेमोक्रेसी पे आजकल बहुत सवाल भी उठ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर प्रो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रियंका दिस इज अगेन रियली गुड वर्क ब्रेन किया हमने डेमोक्रेसी के बारे में बताया डेमोक्रेसी के टाइप्स डेमोक्रेसी के फ्लॉज क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या हो सकते हैं तो ओवरऑल हमें प्रो डेमोक्रेसी रहना है और डेमोक्रेसी को डिफेंड करना है यहाँ पे रत्ना प्रिया दिस इज़ गुड पंचायती राज सारे पॉइंट्स लिखे डायग्राम भी है वेरी नाइस दिस इज़ गुड पैसा के बारे में भी बताया रीजंस गुड और आर्टिकल्स भी फैंटेस्टिक विमल वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर लिखते हो आप दिस इज़ गुड इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन सी सारा समराइज हो गया पूरा चैप्टर तैयार हो गया राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई फेंटेस्टिक दिस इज़ रियली गुड एंडिंग भी अच्छा है कॉन्क्लूजन सुप्रिया आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो इसी को कंटिन्यू करना है अशोक मेहता कमेटी ऐसे सारे नाम लिखे हमने यहाँ पे समराइज कर दिया ये सारे ट्वेंटी नाइन पॉइंट्स भी आ गए फेंटेस्टिक विमल दिस इज गुड अब इसमें भी हमें प्रो डेमोक्रेसी रहना है कुछ प्रॉब्लम्स बताना है चैलेंजेस बताना है बट उसको तुरंत ओवरकम भी करवाना है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदिति दिस इज़ रियली गुड आप देखो कितना नीट एंड क्लीन कॉपी है रीडिंग कितना ईजी हो गया तो ऐसे प्रेजेंटेशन भी एवरी फोकस इसको भी ग्रेजुअली बेटर बनाइए देखो कितना सिस्टमेटिक है यह लाइन दिस एक एक ऑर्डर नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर नज़र आ रहा है दिस इज गुड सी दिस इज वंडरफुल वेरी नाइस सी इलेवेंथ शेड्यूल अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखो वन टू थ्री फोर ट्वेंटी नाइन थे ना तो उनको ट्वेंटी नाइन डॉट नहीं ट्वेंटी नाइन नंबर लिखो यहाँ पे पैसा गुड अमरजीत दिस इज़ रियली गुड देखो कितना अच्छा हिंदी का कॉपी है ये वेरी गुड अब सी ये ट्वेंटी नाइन मैटर्स हो गए इसी से सवाल आ जाएगा वेरी नाइस अजिंदर दिस इज अगेन गुड ब्रेन स्टॉमिंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अब एक कॉन्क्लूजन भी ड्रॉ करो फाइनल एक वर्ड बोलो कि क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी रश्मि दिस इज गुड डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अगेन चैलेंजेस क्या हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है सारे पहलुओं पर सोचो आप पूजा दिस इज़ गुड बेस्ट गवर्नेंस गुड प्रोज कॉन्स एंड देन दोनों पहलू बताओ और फिर एक कॉन्क्लूजन ड्रॉ करो और ऐसा भी नहीं कि है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट है डेमोक्रेसी में बहुत चैलेंजेस है फ्लॉज भी हैं डेमोक्रेसी में बट स्टिल इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आज तक हमने ट्राई किया है ओके सो दिस इज टूडेज टेंथ ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ब्रीफ आज आंसर राइटिंग का ऑफ है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ